और कुरान में रहम शब्द 409 बार आया है। कुरान की बात में थोड़े से रख रहा हूँ। और महाराज ने कुरान की बात की, इलाहाना बे सावेरेन हमने पूछा तो उन्होंने कहा बेशक अल्लाह संयम वालों के साथ रहता है, और संयम तब आता है जब अहिंसा धर्म का पालन होता है। इस्लाम ये अरबी शब्द है, शांति में प्रवेश करना, ये इस्लाम शब्द का अर्थ है। अनि जिसको शांति में प्रवेश करना है वह अहिंसा को प्राप्त किए बिना शांति में प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुरान का प्रत्येक अध्याय में प्रारंभ किया है अर रहमान अर रहीम, अने खुदा दयालु थे रहते हैं। और एक शब्द आता है जहाँ रहम है वहाँ रहीम रहते हैं, जहाँ दया होती है वहाँ रहते हैं। और हदीस जो 2500 पृष्ठों का है, तो हजरत मोहम्मद साहब ने रहमत दयालु और रहम दया शब्द का प्रयोग हजारों बार किया है। जब हमने पढ़ा आयत नंबर 32 ने में बताया है कि ना तो पशुओं का मांस और ना ही उनका रक्त ईश्वर तक पहुंचता है, ईश्वर तक पहुंचता है सिर्फ मनुष्य का त्याग और रहम दया ही पहुंचता है, ऐसे बताया।